नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताया था कि अंग ज्योतिष क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है मानव जीवन के अंदर। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं नंबर्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं बताऊंगा आपको एक नंबर के बारे में। एक नंबर हमारे मीन्स क्या हुआ कि जिन लोगों की जन्म तिथि एक तारीख है, मतलब जिसमें एक नंबर आता है, या 10 नंबर आता है, या 19 नंबर आता है, या 28 नंबर आता है। यानी किसी इंसान की जन्म तिथि एक तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, तो वो कैसा होता है वो इंसान, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो एक हुआ, 10 1+0 करा तो ये भी 1 हुआ, 19 को 1+9 करा 10, ये भी 1+0 करा तो 1 हुआ, और 28 को 10 किया और 10 को 1+0 किया तो ये भी 1 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1 नंबर वाले कहलाते हैं जो पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को। और एक नंबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है सूर्य को, तो इनके अंदर भी ऐसे ही गुण होते हैं। बहुत ही रॉयल होते हैं, बड़े करेजियस होते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन बड़ा अच्छा लेते हैं, लेकिन लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इन्वेंशंस को लव करते हैं, नया नया आविष्कार को पसंद करते हैं, नया नया आविष्कार भी करते हैं। किसी का इंटरफेरेंस इनको नहीं चाहिए, इवन ऑफिस के अंदर भी, मतलब ये चाहते हैं कि जो जैसे ये कर रहे हैं उस तरह से काम हो। किसी का इवन बॉस का इंटरफेरेंस भी इनको अच्छा नहीं लगता, ये अंदर थोड़ी कमजोरी इनमें होती है। दे डू नॉट टॉलरेट एनीबॉडी। बटरिंग को पसंद नहीं करते ये, चमचागिरी इनको पसंद नहीं है। हाई विल पावर होती है इनकी, खर्चा करने की बहुत इनकी वो होती है, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा शो ऑफ करना चाहते हैं, तो खर्चा बहुत करते हैं। प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, या यूं कहूं कि वेरी प्रैक्टिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशंस थोड़े कम होते हैं इनके अंदर, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इनको मालूम होता है क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। एक नंबर वालों को ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात होती है। इनके बाद में थोड़ी कमियां भी इनके अंदर हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये भी एक बहुत खास बात है इनके अंदर। रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता इनकी होती है। इनका नाम और नेम और फेम बढ़ता है, जिस पे जहां नौकरी करते हैं उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, हायर लेवल पे पहुंचते हैं, अच्छी पोजीशन एक्वायर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़े ढीठ होते हैं, स्टबॉर्न जिसे कहते हैं, थोड़े ढीठ होते हैं। वो सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं जानता हूँ वही ठीक है, दूसरा जो कर रहा है या कह रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये थोड़ी इनमें कमी होती है कि ये स्टबॉर्न होते हैं, थोड़े ढीठ होते हैं। दूसरी चीज, चूंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशन इनके पास नहीं होता, ये अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तारीख पे पैदा हुए लोग कैन नॉट एक्सप्रेस हिज लव, अपनी पत्नी के साथ भी या अपने बच्चों के साथ भी, ये अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। डोमिनेटिंग हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ये इनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ईगोइस्टिक बन जाते हैं, ईगो इनकी बहुत हो जाती है, चूंकि एक नंबर की ईगो काफी होती है, ईगोइस्टिक होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इन लोगों को। ऑर्डर देना चाहते हैं ये लोग, ऑर्डर लेना नहीं चाहते। लीडरशिप क्वालिटी होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, गवर्नमेंट में सर्विस में इनको ज्यादा चांस होते हैं मिलने के लिए, जिनकी जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 है। इनको कैसे मैनेज किया जाए, इनको मैनेज करने के लिए तरीका यही है कि भैया इनको प्यार से, दुलार से बात करो इनसे, और उससे ही इनको सुनो, तभी आप इनको मैनेज कर पाओगे। लकी कलर्स इनके लिए येलो, गोल्डन, ऑरेंज, ये इनके लिए लकी कलर होता है। लकी जेम स्टोन इनके लिए रूबी होता है। संडे को ये लोग फास्ट रखें तो बहुत अच्छा रहता है, स्वीट ले सकते हैं 1 मील, साल्ट को अवॉइड करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज ये है कि इनको कुछ बताया गया है कि प्रिकॉशन है इनके लिए, कि कुछ प्रिकॉशन इनको लेनी जरूरी है, इससे ये बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। एक तो ये खर्चे पे थोड़ा लगाम लगाएं, ज्यादा शो ऑफ में ना पड़े, थोड़ा स्टबॉर्न ना बने, मतलब कुछ लोगों की बातों को सुनने की कोशिश भी करें,
वो भी करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना पढ़ें, ये थोड़ी सी इनके अंदर रहती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पढ़ने की, वो ना पढ़ें, थोड़ा इससे डिफेम हो सकता है आदमी के अंदर। और ज्यादा खर्चा करते हैं, ये तो मैंने बताया, शो ऑफ में खर्चा करते हैं, तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रेंड भी रहते हैं ये लोग, फाइनेंशियल थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए कोशिश करें कि खर्चा ज्यादा ना करें, शो ऑफ ना करें, मनी को सेव करें, तो यही इनके लिए कुछ चीजें हैं। तो ये मैंने आपको बताई, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, यानी जिनका बेसिक नंबर 1 आता है, उनके बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये आपको बताया। ऐसे ही हर नंबर के बेसिक नेचर और पर्सनैलिटी होती है, उसके बाद इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की दशा भी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल होती है, ऐसे दशा भी इस्तेमाल होती है, और पूरी प्रोडिक्शन इनके अंदर की जाती है न्यूमरोलॉजी में भी, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में की जाती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा कि हम लोग न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।